एक बार फिर से माई के हर भक्त के स्वागत बा माई के महिमा अपरंपार में। माता सती और प्रजापति दक्ष के कहानी रउआ सबके याद हुई। माता सती प्रजापति दक्ष के बेटी के रूप में जन्म ले ली और बहुत कठोर तपस्या के बाद माता सती के विवाह भगवान शंकर से संपन्न हो पाए। एक बार प्रजापति एगो यज्ञ के आयोजन कर ले, बाकी वो भगवान शंकर के आमंत्रण ही ना भेजले। भगवान भोले शंकर के मना करे के बाद भी माता सती यज्ञ में शामिल भयले, बाकी अनहोनी के केहू न टाल सकेला। पिता और बहिनन के भगवान शंकर के उपेक्षा और निंदा सुन के माता सती के हृदय टूट गए और माता सती यज्ञाग्नि में अपन रूप के जला के भस्म कर देली। बाकी पति के रूप में माई के मन में बस भगवान शिव की ही मूरत रहे और यही से अगला जन्म माँ पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में ले ली और पति के रूप में भगवान शिव के पा गईली। तो माई के दरबार में अब बुलावे जा रहल बानी भोजपुरिया जगत के चमकत सितारा मोहन राठौर के, जिनकर आवाज और जिनकर गायकी सुन के रउआ भी झूमे लागब। तो चली आवाज दिहल जाओ मोहन राठौर के। नवरात्र के महापावन पर्व पे हम मोहन राठौर, सारा भोजपुरिया समाज, चाचा भैया, बड़ बुजुर्ग, छोट भाई, बड़ भाई, सब लोगन के अपना महुआ चैनल महुआ परिवार के तरफ से सादर प्रणाम करतानी। आई आज हमनी के फिर से माई के नवरात्र के अवसर पे माई के भजन लेके हम सब कलाकार आइल बानी जा। ताई हम सब मिलके माई के भजन गावल जाओ। कैसे लड़का माई के गुहार लगावता, कहता दुर्गा माई से का आधी आंचल में पर्वत कमाई बिंधा चल के, आंचल में पर्वत कमाई बिंधा चल के, आज कह कह करत बाट सुंदर भवानावा, सच्चा दरबार में सुमार भीड़ मरेला, लाल रंग झंडा लहरत बा गगनवा। इतनी ना औरी का कहता माई के बारे में बखान करता भक्त। आज लहर लहर लहराए अचुनर चटकार ए माई, ए लहर लहर लहराए अचुनर चटकार ए माई। बोलो बोलो प्रेम से दुर्गा माता की। आज लहर लहर लहराए ए माई, कैसे लड़का कहता। आज लहर लहर लहराए चुनर चटकार ए माई, तीनों लोग में गूंजे रावल जयकार ए माई, तीनों लोग में गूंजे रावल जयकार ए माई, अरे लहर लहर लहराए चुनर चटकार ए माई, अरे लहर लहर लहराए चुनर चटकार ए माई, तीनों लोग में गूंजे रावल जयकार।
चाहे तो है मुरा ती में रूपावा देखाता हम महिमा के गीत राउर सगारे गवाता आदि आ चाहे तो है मुरु ती में रूपावा देखाता महिमा के गीत राउर तीनों लोक में गूंजे राउर जयकार के माई तीनों लोक में गूंजे राउर जयकार के माई हर लहर लहर लहराए चुनर चटकार ए माई हर लहर लहर लहराए चुनर चटकार ए माई माई के आसन पहाड़ पर काहे होला काहे कि माई अपन हर भक्त से बेहद प्रेम करे और यही से माई ऐसन ऊंचा पहाड़ पर रहे कि वहां से हर भक्त के देख सको हर बुरा शक्ति से अपन भक्तन के रक्षा कर सके और आगे भी हमनी के माई के गुणगान करत रहल जाए तो एक बार फिर प्रेम से बोली माई के जयकार और देखत रही माई के महिमा अपरंपार।